और आइए अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। यूपी के कानपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली के तालाब में पलटने से हुए हादसे में 26 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं जिनका इलाज चल रहा है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने घायलों से मिलने के लिए वो अस्पताल पहुंचे और उनका हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने मृतकों के प्रति संवेदनाएं जताई और ये कहा कि उन्होंने प्रशासन को मदद करने के निर्देश दे दिए हैं। दिल्ली के सुंदर नगरी इलाके में एक लड़की की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसके बाद से ही इलाके में तनाव बढ़ गया। मृतक लड़के के परिवार वाले प्रदर्शन कर हत्या के आरोपियों के खिलाफ फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। वहीं मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल गैंगस्टर टीनू मानसा पुलिस हिरासत से फरार हो गया है। दीपक टीनू गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का साथी था। मानसा पुलिस से दीपक टीनू को कपूरथला जेल से रिमांड पर लाई थी। मूसेवाला मर्डर केस की प्लानिंग में आखिरी कॉन्फ्रेंस कॉल लॉरेंस और टीनू के बीच 27 मई को हुई थी, जिसके बाद 29 मई को सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हो गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। इस दौरान वो ऊना पहुंचे, नए बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद जेपी नड्डा ने कन्या पूजन भी किया और कन्याओं को अपने हाथों से खाना खिलाया। राजस्थान के अलवर में 8 लोगों पर एक नाबालिग से गैंगरेप करने का आरोप लगा है। इतना ही नहीं, आरोपियों पर घटना का वीडियो बनाकर पीड़िता को ब्लैकमेल करके पैसे वसूलने का भी आरोप है। फिलहाल पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए टीम भी बना दी गई है, लेकिन आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। यूपी के रायबरेली में जमकर हंगामा हुआ। पहला मामला मिल इलाके का है, जहां छात्रों के 2 गुटों के बीच पत्थरबाजी हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज किया। वहीं दूसरा नसीराबाद थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जिसमें कुछ छात्र मिलकर एक छात्र की जमकर पिटाई करते हुए नजर आए, जिसकी सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस 6 युवकों को पकड़कर थाने ले गई। महाराष्ट्र के पुणे में चांदनी चौक ब्रिज को 5 सेकंड के अंदर ढहा दिया गया। पुल को गिराने के लिए नोएडा के ट्विन टावर की तरह तरीका अपनाया गया। ब्रिज के खंभों और दीवारों में विस्फोटक लगाए गए थे और फिर एक झटके में सालों पुराने और जर्जर हो चुके इस ब्रिज को जमींदोज कर दिया गया। पुल के गिरने के बाद धूल के गुब्बार को रोकने के लिए पूरे पुल को तिरपाल से ढक दिया गया। यूपी के महोबा में टोल प्लाजा के पास एक टैंकर ने ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस पूरे हादसे का वीडियो वहां लगे एक सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें देखा गया कि टक्कर इतनी तेज थी कि ऑटो दूसरे वाहन से टकरा गया। हादसे के बाद टोल प्लाजा के पास अफरातफरी मच गई। वहीं पुलिस टैंकर चालक की तलाश में जुटी हुई है। यूपी के चंदौली में दीवार गिरने से दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे के बाद घर के आसपास अफरातफरी मच गई। आनंद फानंद में प्रशासन को सूचना दी गई, लेकिन जब तक मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंचती, तब तक मलबे में दबने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद रेस्क्यू टीम ने मलबे से मजदूरों के शव को बाहर निकाला। इस दौरान अस्पताल के इलाकों को खाली करा लिया गया था। बिहार के बक्सर में एक शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला आग में बुरी तरीके से झुलस गई। पीड़िता का आरोप है कि दहेज के लिए उसके पति और ससुराल वालों ने उसे आग के हवाले कर दिया। पीड़िता पानी और दवाई मांगती रही, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी, जिसके बाद उसने शिकायत दर्ज करवाई और उसके आधार पर पुलिस ने उसके ससुर को गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र के नांदेड़ में 5 से 6 बदमाशों के एक गैंग ने बैंक को लूट लिया। बदमाशों ने धारदार हथियारों के बल पर डकैती को अंजाम दिया। डकैती के बाद भाग रहे इन डकैतों में से एक को लोगों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस बाकी के आरोपियों की तलाश में जुटी है। यूपी के उन्नाव के सरकारी अस्पताल की बदहाली की तस्वीर सामने आई, जहां बिजली जाने के बाद मोबाइल टॉर्च की रोशनी में इलाज किया गया। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में टॉर्च की रोशनी में मरीज की पट्टी की गई और उसे इंजेक्शन लगाया गया। बिजली जाने के बाद करीब 1 घंटे तक पूरा अस्पताल अंधेरे में रहा, वहीं मरीजों की लंबी लाइन लग गई। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 153वीं जयंती है। इस मौके पर राष्ट्रपति से लेकर पीएम मोदी तक सबने बापू को याद किया। इस मौके पर पीएम मोदी राजघाट पहुंचे और पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। वहीं सोनिया गांधी ने भी गांधी जी को श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी महात्मा गांधी को याद किया। केंद्र सरकार के वार्षिक स्वच्छता सर्वे में इंदौर पहले स्थान पर आया है। इंदौर लगातार 6ठे साल पहले स्थान पर आया है, जबकि सूरत को लगातार दूसरी बार इंदौर के बाद दूसरा सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। तो वहीं नवी मुंबई 3रे स्थान पर रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को आयोजित एक समारोह में विजेताओं को सम्मानित किया।
यूपी की मथुरा में एक महिला अपने पति को मौत के मुंह से खींच ले आई। दरअसल चलती ट्रेन में अचानक 67 साल के एक शख्स को हार्ट अटैक आ गया। इसकी वजह से उनकी जान जोखिम में पड़ गई और उनकी तबीयत खराब होने लगी। इतने में शख्स की पत्नी ने अपने पति को CPR देकर उनकी जान बचा ली और ट्रेन जैसे ही मथुरा रेलवे स्टेशन पर रुकी, बीमार यात्री को नीचे उतार दिया गया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें बढ़ गई है। इमरान खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। इस्लामाबाद के मारगल्ला पुलिस स्टेशन के एक मजिस्ट्रेट ने ये वारंट जारी किया है। इमरान खान के खिलाफ 20 अगस्त को अपने भाषण में एक महिला जज को धमकाने का मामला दर्ज किया गया था। इसी आरोप में ये वारंट जारी किया गया। इंडोनेशिया के ईस्ट जावा में फुटबॉल मैच के दौरान हिंसा भड़क गई। अरेमा FC और परसेबाया सुरबाया टीम के बीच हुए मैच में अरेमा टीम हार गई, जिसके बाद दोनों टीम के फैंस आपस में भिड़ते हुए नजर आए और बेकाब हो गए। गुस्साए फैंस ने पुलिसकर्मियों पर भी हमला बोल दिया। इस हिंसा में 174 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 180 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन की सेना रूस पर पलटवार कर रही है। लिमान शहर से रूस ने अपने सैनिकों को वापस बुला लिया है। लिमान के इस हिस्से पर रूस के सैनिक पहले जश्न मना रहे थे, वहीं अब यूक्रेन ने अपना कब्जा वापस ले लिया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने इस बात का भी दावा किया है कि उसके सैनिकों ने रूस के 5,000 सैनिकों को घेर लिया है। नेपाल के मानसलू कैंप में बर्फीले तूफान ने कहर बरपाया है। इसकी वजह से 2 पर्वतारोहियों की मौत हो गई और 12 लोग घायल हो गए। मानसलू कैंप से बर्फीले तूफान की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें तूफान तेजी से बेस कैंप की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ये बर्फीले तूफान कुछ ही देर में कैंप से टकरा गया। वहीं मौके पर प्रशासन की ओर से रेस्क्यू टीम को भेजा गया। अमेरिका के कैरोलाइन में चक्रवाती तूफान इयान ने जमकर तबाही मचाई है। भयंकर तूफान से सड़कों पर पानी भर गया, पेड़ उखड़ कर गिर गए और कई मकान तबाह हो गए। इस तूफान की वजह से करीब 1,70,000 लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं फ्लोरिडा में ही तूफान से 42 लोगों की मौत हो गई है। प्रशासन की ओर से राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है।